उत्तरी इसराइल पर जंग का दूसरा मोर्चा खुला हुआ है। हिजबुल्ला और इजरायली सेना के बीच यहाँ पर शह और मात का खेल चल रहा है। इजरायली सेना के हवाई हमलों के बावजूद हिजबुल्ला अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है, बल्कि वो उल्टा अब और भीषण तरीके से इसराइल पर हमले कर रहा है। हिजबुल्ला अपनी मिसाइल और रॉकेट अटैक से इसराइल के बेशकीमती ड्रोन्स के साथ साथ उसके सैन्य अड्डों को भी तबाह कर रहा है, और साथ ही वो इन ऑपरेशंस के वीडियो भी जारी करके मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाए हुए है। और अब इसी कड़ी में हिजबुल्ला ने इसराइल के सबसे भीतर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। जी हाँ, 7 अक्टूबर 2023 के बाद हिजबुल्ला के जो हमले हो रहे थे वो सिर्फ उत्तरी इसराइल बॉर्डर के आसपास ही केंद्रित थे, लेकिन हिजबुल्ला ने अब इसराइल पर जो हमला किया है वो अभी तक का सबसे भीतरी हमला माना जा रहा है। ये दावा हिजबुल्ला ने किया है। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने उत्तरी एकर शहर में इसराइली सेना के ठिकाने पर एक बड़ा हमला किया। हिजबुल्ला के मुताबिक उसने इस हमले में डिकॉय और वास्तविक ड्रोन का इस्तेमाल किया जो IDF के दो बेस पर जा गिरे। ये दोनों सैन्य अड्डे इसराइल के एकर और नहरिया शहर के बीच हैं। हिजबुल्ला ने इसका एक सैटेलाइट फोटो भी जारी किया है जिसमें अटैक वाली जगह को लाल रंग के घेरे से चिन्हित किया गया है। हालांकि इसराइली सेना का कहना है कि उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि हिजबुल्ला द्वारा उसके किसी बेस पर हमला किया गया है, लेकिन IDF का ये जरूर कहना है कि उसने इसराइल के उत्तरी तट की तरफ दो हवाई हमलों को इंटरसेप्ट किया था। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर हिजबुल्ला ने इसराइल की इतनी भीतर हमला क्यों किया। दरअसल हिजबुल्ला के इस हमले से पहले इसराइली सेना ने 23 अप्रैल 2024 को दक्षिणी लेबनान में एक हवाई हमला किया था जिसमें हिजबुल्ला का एक लड़ाका मारा गया था। IDF ने इसको लेकर कहा था कि उसके हवाई हमले में हिजबुल्ला के दो लड़ाके मारे गए हैं, और हिजबुल्ला ने इस बात की पुष्टि भी की थी। लेकिन इसके बाद देर रात IDF के एक हवाई हमले में हिजबुल्ला की राडवान फोर्स का लड़ाका मोहम्मद अतिया मारा गया था। हालांकि हिजबुल्ला ने इस हमले को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। और इसी दिन लेबनान की NNA न्यूज एजेंसी ने कहा था कि हनीन में IDF के एक हवाई हमले में दो लोग मारे गए थे और 6 अन्य लोग घायल भी हुए थे। न्यूज एजेंसी के मुताबिक IDF के जेट्स ने एक 2 मंजिला इमारत पर मिसाइल हमला किया था जिसमें ये बिल्डिंग मिट्टी में मिल गई थी। हिजबुल्ला और IDF के बीच तनाव शुरू होने के बाद से ही ये परिवार अपना घर छोड़कर नहीं गया था, और इस हमले के बाद ही हिजबुल्ला ने दर्जनों कत्यूशा रॉकेट्स उत्तरी इसराइल पर जवाबी हमले में फायर कर दिए थे। हिजबुल्ला ने अपने जवाबी हमले में कहा कि ये हमले इसराइल द्वारा उसके दो नागरिकों की हत्या के जवाब में है।